वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम बनाएंगे गुड़ की बर्फ़ी, जिसे हम सुखड़ी कहते हैं। गुड़ की बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए हम एक पैन में 2 स्पून घी डालेंगे और उस घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाता है, हम उसमें डालेंगे 1 कप जैगरी और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा गुड़ प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं, स्लोली स्लोली गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहिए, वरना वो नीचे चिपक सकता है। इस प्रोसेस में करीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। अब देखिए, घी अच्छे से मिक्स हो चुका है, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हम उसमें बबल्स भी आने लग गए हैं। तो इस टाइम अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लार मिला देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट बहुत इजीली अवेलेबल है घर में, बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप कभी भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, बट अगर इसी मेजरमेंट में बनाएंगे आप तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से मिक्स करते टाइम हम इसके आटे को भी थोड़ा सा पका रहे हैं साथ में, जिससे हमारी सुखड़ी बहुत ही अच्छी अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हमने गैस की फ्लेम बंद नहीं की है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसे स्टव से उतार लेंगे और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक छोटी सी प्लेट में। अब आप एक कटोरी लीजिए छोटी साइज़ की, जिसका फ्लैट सरफेस है, इससे हमें शेप देने में इजी रहेगा। हम इसे स्प्रेड करना शुरू करेंगे प्लेट में, जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है। इवनली इसको हम पूरी प्लेट में स्प्रेड कर लेंगे, ताकि एक ही तरह का शेप आए और एक ही थिकनेस का हो। अभी भी सुखड़ी बहुत गर्म है, तो अब हम इसे शेप देना भी शुरू करेंगे। जब ये गर्म होती है तो ये इसमें पीस करना बहुत ही इजी होता है। जैसे जैसे ये हार्ड होती जाती है, वैसे ही हम इसमें अगर शेप देना चाहें तो वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो एक नाइफ़ ले लीजिए
उससे हम शेप देना शुरू करेंगे। आप उसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं या फिर डायमंड शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसे डायमंड शेप दिया है, आप चाहिए तो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। अब इसे 2 या 3 मिनट तक ठंडा होने दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ठंडा हो चुका है, तो आप इसे रिमूव करके प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में, बहुत ही इजी है बनाने में। इसे आप कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईज़िली घर पे अवेलेबल होता है। आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए एंड हमें बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। होप यू एंजॉय इट। थैंक यू।